दोस्तों, आपने मजबूत शरीर और बड़े सींग से पहचाने जाने वाली भैंसों को तो जरूर देखा होगा। मैं उन भैंसों की बात नहीं कर रहा जो आप आसपास या आपके गांव में देखते हैं, क्योंकि वो भैंसें तो शांत स्वभाव की होती हैं। मैं उन भैंसों की बात कर रहा हूँ जो जंगल में अपना अड्डा जमाए बैठी हैं, जो कुछ हद तक खूंखार भी होती हैं। और एक बात बता दूं कि वो भैंसें अगर खूंखार हो जाती हैं तो जंगल का राजा शेर भी इनके आगे कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं भैंसों की कुछ ऐसी लड़ाइयां जिसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जंगली भैंस कितनी ताकतवर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, बफेलो वर्सेस लाइनस। दोस्तों, इस वीडियो में एक शेरनी ने भैंस को पकड़ लिया है और अपने मजबूत मुंह के दम से उसे पकड़कर बैठी है। लेकिन दोस्तों, दूसरी भैंसें इस भैंस को शेरनी के चंगुल से बचाने आ पहुंचती हैं। लेकिन दोस्तों, शेरनी को भगाने के लिए थोड़ी हिम्मत भी चाहिए होती है। जबकि इन भैंसों को थोड़ा डर लग रहा है, तभी वो पास तो जाती है लेकिन डर के मारे पीछे हट जाती है। ये लड़ाई थोड़ी देर तक ऐसे ही चलती रहती है। उसके बाद भैंसों ने घायल भैंस को सींग की मदद से बैठा दिया। इतना सब होने के बाद भी शेरनी टस से मस नहीं होती। लेकिन भैंसें भी कहां हार मानने वाली थीं। उसने एक बार और शेरनी पर हमला किया, तब जाके शेरनी ने शिकार को छोड़ा। उसके बाद इन भैंसों के झुंड ने उसका काफी पीछा किया और दौड़ लगाकर शेरनी को थोड़ी दूर वो छोड़कर आ जाते हैं। बुफेलो वर्सेस क्रोकोडाइल एंड लायन। दोस्तों, हमने शेर और मगरमच्छ की तो लड़ाई देखी है, लेकिन क्या होगा जब भैंस का सामना मगरमच्छ और शेर के साथ हो जाए? तो आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शेर शिकार करने के लिए एक भैंस के पीछे पड़ गया है। वो भैंस खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती रहती है, लेकिन उसे लगता है कि अब बचना मुश्किल है, तो वो पास जा रही नदी में कूद जाती है। उसके बाद वो नदी पार करके उस तरफ जाने लगती है, तभी वहां दूसरी कयामत आ जाती है। उस नदी में एक मगरमच्छ उसका पीछा कर रहा होता है। दोस्तों, कोई शिकार सामने जा रहा हो और शिकारी हमला ना करे ऐसा नहीं हो सकता, और नदी में जा रही भैंस के ऊपर हमला बोल देती है। लेकिन किसी तरह से भैंस उसे चकमा देकर नदी से बाहर निकल जाती है, लेकिन अभी भी मौत उसके सामने होती है। जी हाँ, 2 से 3 शेर वहां मौजूद होते हैं। उसके बाद वो उन शेरों से डरने के बजाय निडरता से उन शेरों पर हमला करती है और इसी कोशिश में उसकी जान बच जाती है। बफेलो वर्सेस फोर लायंस। दोस्तों, जंगल के राजा यानी हमारे शेर सांप से लड़ना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वो चाहे तो किसी भी जानवर को मौत के घाट उतार सकता है। इसी डर की वजह से शेर के सामने आने से अच्छे अच्छे जानवर कांपने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप देखिए जिसमें एक शेर खुले और ठंडे रंगीन मौसम के नीचे अपनी माशूकाओं के साथ आराम फरमा रहा है और दूसरी तरफ पेड़ के नीचे एक भैंस ये सब होते हुए देख रही है। फिर वो शेर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और वो इतनी कठोर है कि वो शायद भूल ही गई है कि वो किससे पंगे ले रही है। लेकिन भैंस के जज्बे को देखकर शेर लोग भी समझ जाते हैं कि यहाँ पंगा लेना मुश्किल है, और वो बिना देरी किए पीछे हट जाते हैं और भाग जाते हैं। दोस्तों, ये वाक्य कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि शेर किसी के बाप से नहीं डरते, और ऐसे में एक भैंस से ये कैसे डर गए? बुफेलो वर्सेस लायन टू सेव एलिफेंट काफ। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि भैंस के जब खुद के बच्चे किसी मुसीबत में होते हैं तो बिना देरी किए वो उसे बचाने में किसी से भी फिर जाती है। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि दूसरे जानवर के बच्चे मुश्किल में हो और भैंस उसे बचाने आगे आई हो, लेकिन इस वीडियो में देख लीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शेर के झुंड ने हाथी के बच्चे को शिकार बनाया है और उसे खाने के लिए उतावले हो रहे हैं। लेकिन तभी वहां एक भैंस आ जाती है। वो उसे बचाने की हिम्मत करती है, लेकिन वो अकेली है। उसके पास जाएगी तो उसका भी शिकार हो सकता है। वो खड़े होकर देखने लगती है, तभी उसका ग्रुप वहां पहुंचता है
और वो उन शेरों पर आक्रमण बोलते हैं, लेकिन उन भैंसों का हमला इतना खूंखार होता है कि शेर बिना सोचे समझे जान बचाकर भाग जाते हैं और हाथी का बच्चा सुरक्षित बच जाता है और वहां से चला जाता है। बुफेलो वर्सेस लिपर्ड। दोस्तों, भैंस वैसे तो खूंखार नहीं है, वो कभी ऐसे ही किसी को उंगली नहीं करती, लेकिन कभी उसके बच्चों पर कोई खतरा महसूस हो तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर किसी से भी भिड़ जाती है। अब इस वीडियो में ही आप देख लीजिए, जहां एक भैंस अपने बच्चे के साथ जंगल में खड़ी है, उसे नहीं पता कि उसके बच्चे पर कोई नजर रखकर बैठा है। वो उसकी देखभाल करते हुए इधर उधर भी देखती रहती है, लेकिन वहीं पर झाड़ियों के पीछे एक लिपर्ड इस बच्चे का शिकार करने के लिए निगरानी रखकर बैठा है। मौका देखते ही वो बच्चे पर हमला कर देता है, लेकिन उसी स्पीड से भैंस भी उस पर हमला कर देती है, लेकिन लिपर्ड की स्पीड से कहीं ज्यादा होती है। वो उसे मुंह में पकड़ कर ले जाने लगता है। दोस्तों, भैंस भी अपने खूंखार रूप में आ जाती है और लिपर्ड को अपने सींगों से एक बार में उछाल भी देती है। फिर वो डर जाता है और बच्चे को छोड़कर वहां से चला जाता है। बफेलो वर्सेस बफेलो। दोस्तों, हमने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जिसमें भैंस कई खूंखार जानवरों से लड़ती दिखाई देती है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा वीडियो देखा है कि भैंस अपने ही परिवार की किसी भैंस से लड़ जाए? तो आइए देखते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि दो भैंसें आपस में लड़ रही हैं और दोनों अपनी एक जैसी ताकत से एक दूसरे को हराने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि दो पहलवान अखाड़े में उतरे हैं। ये लड़ाई में दोनों की ताकत, शरीर और नुकीले सींग एक जैसे हैं। इस लड़ाई के चलते दोनों के सींग एक दूसरे में फंस जाते हैं, लेकिन वो उसे निकालने के बजाय उसे तोड़ने पर तुली हुई है। दोस्तों, इस भारी और ताकतवर शरीर वाले इन भैंसों की लड़ाई में ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। बफेलो वर्सेस हाइना। दोस्तों, जंगल की खूंखार जानवर की लिस्ट में हाइना का नाम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसकी एक खास बात यह है कि किसी शिकार को पकड़ ले तो उसके मुंह से बचना नामुमकिन है, लेकिन कभी कभी हार भी माननी पड़ती है और पीछे भी हट्टा पड़ता है। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां हाइना ने एक भैंस के बच्चे को शिकार बनाया हुआ है। वो उसे खाने के लिए उतावले हो रहे हैं, लेकिन दूर से उसकी माँ ये देख लेती है और वो दौड़कर उसे बचाने आ पहुंचती है। उसका आक्रामक रूप देखकर हाइना उसे छोड़कर पीछे हट जाता है, लेकिन सिर्फ पीछे हटता है, भागता नहीं है। वो भैंस उसे भगाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो चाहते नहीं है। उसी वक्त पीछे से उस भैंस का पूरा झुंड बच्चे को बचाने आ रहा होता है, लेकिन उसके आने के बाद हाइना को भी समझ आ जाता है कि अब ये शिकार नामुमकिन हो गया है, और अगर हिम्मत की तो ये भैंसें उसे पकड़ पकड़ के मारेंगी। उसके बाद वो शांत हो जाते हैं और हमला नहीं करते। बफेलो वर्सेस लायन। दोस्तों, पिछली क्लिप्स में आपने देखा कि एक भैंस ने तीन शेरों को भी भगा दिया था, तो अब मान भी लो कि इस भैंस के सामने अगर एक शेर आ जाए तो क्या होगा। अब एक बात तो पक्की हो चुकी है कि ये भारी शरीर वाली भैंस अगर गुस्से में हो तो किसी को भी चकमा दे सकती है। दोस्तों, अब इस क्लिप को देखो, जहां एक शेर जंगल में भैंसों को देख रहा है। वो शायद उसे शिकार करने की योजना बना रहा है। आप देख सकते हैं कि उसके पास एक बड़ी भैंस खड़ी है, उसकी नजर शेर पर टिकी हुई है। वो समझ जाती है कि शेर हम पर कभी भी हमला कर सकता है, और उसके बाद वो खूंखार रूप लेकर उस शेर पर खुद ही हमला कर देती है। वो जैसे ही शेर की ओर जाती है, शेर समझ जाता है और भागने लगता है, लेकिन वो भैंस का खूंखार रूप उस पर टूट पड़ता है और अपने नुकीले सींग से उस शेर को उछाल कर फेंक देती है। उसके बाद वो भैंस चली जाती है, लेकिन ये शेर इतना डरा हुआ है, घायल भी हो गया है और लड़खड़ाते हुए वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि हमें शांति प्रिय लग रही भैंस भी अगर उनके खूंखार मोड में आती हैं
तक कोई भी खतरनाक जानवर हो उसे पीछे हटना ही पड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करना ना भूलें, और इसी जंगल की दुनिया के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। धन्यवाद।